नमस्कार जोहार साथियों, झार पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं एक पथिया डोंगल महुआ से कविता रुसल भोला। आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर रुसल भोला पढ़ा दीजिए, और रुसल भोला दोस्तों बहुत ही मजेदार कविता है, बहुत ही मजेदार कविता है। और इस कविता के जो कवि है, यानी कि जिन्होंने इस कविता को लिखा है, वो कोई और नहीं संतोष कुमार महतो, वही संतोष कुमार महतो जो एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक भी है, संकलन करता भी है। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि आखिर भोला बाबा रूट क्यों गए, और सावन भी नजदीक ही है, बस कुछ एक दो दिन में सावन आने वाला ही है ना। तो हम लोग भोला बाबा से आशीर्वाद भी मांगते हैं कि सब आप लोग भी सेट हो जाइए और सही जगह पे पहुंच जाइए, क्योंकि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, और मेरी सफलता के साथ झार पाठशाला की सफलता है। तो एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, वो मेरा एक प्रीवियस सेशन यानी कि पिछला सेशन इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, जिसका शीर्षक था, यानी कि उस सेशन में मैंने आपको बताया था पूरा का पूरा एक पथिया डोंगल महुआ के बारे में, और वो था झा जी की एक कविता ताबे हमें कभी ना है। वो फिनिश हो चुका है, आज के सेशन में इसको मैं फिनिश कर दूंगा। तो आइए आगे बढ़े, बढ़ा जाए, चलिए। ये देखिए भोला बाबा का तस्वीर देखिए, साथ में इधर हम भी हैं। अब यहां पे कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर है बाघ का, एक तस्वीर है सांप का, एक तस्वीर है मोर का, और एक तस्वीर छूट गया है जो तस्वीर क्या चूहे का होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं है। आप देखो बाघ की सवारी कौन करती है, तो दुर्गा माँ करती है। सांप किनके गले की माला है, तो शंकर भगवान अपने गले में सांप को माला बना करके पहनते हैं। और मयूर जो है, मयूर किनका वाहन है, तो मयूर कार्तिकेय का वाहन है। आपको मालूम है कि कार्तिकेय और गणेश ये दोनों किनके पुत्र है, तो शंकर भगवान के पुत्र है, पुत्र है ना। अब इन सब में जरा सा गौर करो कि सांप जो है उसका दुश्मन कौन है, सांप का दुश्मन है मोर, है कि नहीं है। अब एक तस्वीर और इसमें छूटा है जो बसाहा बैल का है। अब बसाहा बैल, बैल भाई, अब बाघ और बैल, बाघ को बस मौका मिल जाना चाहिए, तो बैल को कभी ना कभी खा ही जाएगा। उसके बाद देखो चूहा जो है, चूहे का दुश्मन कौन होता है, सांप होता है। आप देखो कि शंकर भगवान के पूरे परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, तो शंकर भगवान है, पार्वती मैया है, दुर्गा माँ जिनको हम कहते हैं, उसके साथ साथ और कौन है, तो उसके साथ साथ गणेश और कार्तिकेय है, और इन सब के जो वाहन है एक दूसरे के दुश्मन। अब जरा सा इन सब में अगर बाघ को मौका मिले तो किसको खा जाए, बैल को खा जाए, अगर मोर को मौका मिले तो सांप को खा जाए, सांप को मौका मिलेगा तो चूहा को खा जाएगा, मगर फिर भी ये सब क्या है, ये सब जो है एक घर में रहते, एक साथ रहते। तो जो घर का संचालन करता होगा, जो घर का संचालन करता होगा यानी जो घर का मैनेजमेंट करता होगा, उसको कितनी समस्या आती होगी, खूब समस्या आती होगी कि नहीं। सब पे नजर रखना पड़ता होगा कि कहीं कोई गड़बड़ा ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो पता चला एक हो गया, निपट गया। दोस्तों, ये संतोष कुमार महतो जी ने बड़े ही गहरे भाव के साथ इस कविता को रचा, बड़े ही गहरे भाव के साथ रचा। क्यों, मैंने कहा कि घर का संचालन करता कौन होता है, घर का संचालन करता स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं। महिलाएं घर के हर काम को क्या करती है, मैनेज करके रखती है, घर को घर बनाने का काम करती है महिलाएं, सब कुछ संभाल करके चलती हैं महिलाएं। तो इस घर में शंकर भगवान के परिवार में महिला कौन है, स्त्री कौन है, पार्वती माँ है। अब पार्वती माँ को ही सब मैनेज करके रखना पड़ता है, संभाल करके रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, और अगर जरा अब इतना लोड लेकर के चलती है, जरा सा भी गड़बड़ हो इधर उधर कुछ हो जाता है तो दिक्कत है, गड़बड़ है, परेशानी हो जाएगा। और ऊपर से भोला बाबा को समय समय से चाहिए भांग की बूटी। अब भांग की बूटी अगर नहीं मिलता है तो भोला बाबा भी गुस्सा जाते, अब ले इसीलिए भोला बाबा को भांग की बूटी नहीं मिली या कुछ हुआ, वो गुस्सा गए, अब गुस्सा करके रूठ करके, रुसल बोला मतलब रूठे हुए बोला, अब रूठ करके पता ना झोला वोला उठा करके कने चल गए। तो पार्वती माँ से सब देवी देवता आकर के बोलते हैं कि पार्वती माँ आप तो सती हैं, और आप सती होने के बावजूद भी पति को नहीं संभाल पा रही है, बताइए तो भारी गड़बड़ है। तस पार्वती माँ कहते तोरिन के का पता हो कि कितना बोझ हम अपन मुड़िया पर रख लिए, कितना टेंशन है हमारा। अब फिर सारा वृतांत सुनाती हैं। तो आइए इस सेशन में हम लोग हर चीज को समझेंगे। श्री संतोष कुमार महतो पेशे से शिक्षक थे, कैसे कौन थे, पेशे से शिक्षक, गांजोरी बोकारो के रहने वाले, ये सब मैंने आपको बताया। रुसल भोला यानी कि रूठे हुए भोला, रूठे हुए कौन, भोला, भोला बाबा। बड़ी गाना है भांग के बूटी को लेकर के भोला बाबा के साथ, समझ रहे हैं। अब देखो ये
संतोष कुमार मधु, क्लियर है। अब हम लोग आइए कविता को समझेंगे, धीरे धीरे मजे के साथ समझते हैं। क्या है भाई, एक दिन कांदे लागला दुर्गा माँ, अब एक दिन दुर्गा माँ रोने लग गई। क्यों रोने लग गई, कैसे बम भोला हमर भोला हाय हाय। अब बम भोला है ना, क्या हुआ कि बम भोला जो है वो रूठ गए, गुस्सा गए, कैसे बाम भेला हमर बाम भेला, है ना, बाम भेला होना चाहिए, हमर भोला हाय हाय, यानी कि कैसे मेरे भोला जो है वो गुस्सा गए, रूठ गए, लेके अपन माल झोला, कंधे रुस गेला हमर भोला। अब लो अपना सारा साजो सामान लेकर के, माल झोला लेकर के, भांग भांग की बूटी उटी लेकर के, सब गांजे वांजे लेकर के, भोला बाबा काकी होंगे चल गए। अब कंधे रुस गेला, मैंने कहां चले गए रूठ करके, कुछ पत्ते नहीं है। कौन परेशान है, तो दुर्गा माँ परेशान है। क्यों भाई, घर की, अब घर संभालती है यही रहे, सब कुछ मैनेजमेंट इन्हीं को करना रहता है। अब यहाँ पे दुर्गा माँ जो है वो स्त्रियों को, स्त्रियों की प्रतीक है, हर घर की स्त्री की प्रतीक है, उस स्त्री की जो घर को संभालने का काम करती है। अब उसके घर से अगर कोई रूठ करके चला जाए तो उसको समस्या होगी कि नहीं, तो दुर्गा माँ को भी यहाँ पे समस्या है। अब कंधे रुस गेला हमारे भोला, कहाँ रूठ करके चले गए हमारे भोला। पार्वती माँ को क्या हो गया, रो रो करके ये चीज सोच रही है। अब क्या होता है, अब दिक्कत कि देव 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 देवी कहे लगल थी, अब भोला बाबा रूठ करके चले गए, दुर्गा माँ रो रही है, तो देव देवी सब, देवता देवती सब, देवता और देवी सब आई और बोली तो है कैसन सती, आखिर आप किस कैसी सती हो, समरावे ना पर रहे अपन पति, अपने पति को नहीं संभाल पाई आप। और सती कौन कौन कहलाता है, कौन कहलाती है सती, जो अपने पति को लेकर के, जो अपने पति को लेकर के अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे, उसके लिए इस संसार में पति से बढ़कर के कुछ भी नहीं, पति की सेवा से बढ़कर के कुछ नहीं। तो वही तो देवी देवता सब कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सती से पति नहीं संभल पाए, समरावे ना पारले है अपन पति, समय काहे ना देला, भांगे बोला से खातिर रुसल थुन तोहर भोला। लिख रहे हैं कि आखिर समय पर आपने भोला को भांग के गोला, भांग की गोली को क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं भांग की बूटी को खिलाया, इसलिए तो रूठ गए भोला। भांग की बूटी आप समय पे दिए रहते, अपने पति का ध्यान रखे हुए रहते तो आपके पति नहीं रूठते। यहाँ पे देवी देवता क्या करें, आपने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, भांग की गोली नहीं दिया टाइम पे, गए रूठ करके, इसीलिए कहीं चले गए होंगे। अब क्या होता है, पार्वती कला हमर परिवार के इतने बोझा, बैलेंस रखा ना है इतने सोझा। अब पार्वती जी ने कहा, देखो यहाँ पे ये कार्तिकेय का फोटो है, मयूर की सवारी, ये शंकर भगवान अपने बसाहा बैल, गर्दन में नाक साफ रखे, ये दुर्गा माँ है जो बाघ की सवारी की हुई, ये गणेश भगवान है जो मूस की सवारी, चूहे की सवारी किए हुए। अब क्या हुआ, पार्वती जी जवाब देती है सभी देवी देवताओं को, कहती है कि देखो मेरे परिवार हमर काला हमर परिवार के इतने बोझा, बैलेंस रखा नाय है इतने सोझा, यानी मेरे परिवार को संतुलित रख पाना, बैलेंस में सब कुछ मैनेज करके चल पाना इतना आसान नहीं है, नाय है इतने सोझा, मतलब इतना सरल नहीं है, इतना सीधा नहीं है जितना आप सब समझ रहे हैं, बड़ी मुश्किल है। देखो क्या मुश्किल है, यदि छूटत एक संगे दू जने के, दू जने का वाहन यहाँ छूट गया है, लिख दे रहा हूं मैं, यदि छूटत एक संगे दू जने का वाहन, तवे जय तवे जयता है जरूर एक कर जिन, एक कर जान, एक करे जान, ठीक है। अगर मेरे परिवार में जितने सब है ना, इसमें से अगर दो का वाहन एक साथ छूट जाए तो भाई ये गारंटी है कि एक ना एक का मौत हो जाएगा। इतना टेंशन भरे परिवार में हम रहते हैं, इतना मुश्किल भरा सिचुएशन में हम रहते हैं। कौन बोल रही है, पार्वती माँ बोल रही है, सही बोल रही है। देखो इनका खुद का वाहन बाघ बसाहा बैल है शंकर भगवान का, अगर ये दोनों छूट जाए तो बाघ बसाहा बैल को खा जाएगा, अगर मयूर छूट जाए तो किसको खा जाएगा, शंकर भगवान के सांप को खा जाएगा, अगर सांप छूट जाए तो चूहे को खा जाएगा, तो भारी गड़बड़ है इनके परिवार में, सबको संभाल करके रख पाना इतना सरल नहीं है, इतना सोझा नहीं है। यही है पार्वती माँ के साथ टेंशन, इसीलिए तो कहती है कि बैलेंस रखा नहीं है इतने सोझा जितना तो नहीं समझ रहा। ये हर परिवार की बात बतला रहे हैं इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से, हर परिवार की बात बतला रहे हैं, हर परिवार में ये चीज है, भले से तरीके अलग अलग है, समस्या अपने अपने रूप में है, पर हर परिवार में ये चीज है। एक को संभालो तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को संभालो तो तीसरा बिगड़ जाता है, और जो घर की गृहिणी है, मतलब जो घर को संभालने वाली होती है, वो सब मैनेज करके रखती है, सब शांत करने का प्रयास करती है, सबको संभाल करके चलने का, ले करके चलने का प्रयत्न करती है। ये तो है स्त्रियों की खूबी, जो इस कविता में बतलाया गया है, एक स्त्री की महिमा को बतलाया गया है, एक स्त्री की महिमा को बतलाया गया कि स्त्री कितना कुछ संभाल करके चलती है, कितना कुछ ले करके चलती है। अगर स्त्री ना हो तो इस सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती, अगर स्त्री ना हो तो इस सृष्टि की अगर कल्पना, अगर स्त्री ना हो तो इस सृष्टि को चलाया भी नहीं जा सकता। एक स्त्री चलाती है पूरे घर को, संसार को चलाती है,
जब घर चल रहा है तो संसार चल रहा है। तो यहां पे समझ में आ रहा है क्या बोलती है कि अगर एक का भी एक जन का भी वाहन छूट जाएगा ना तो एक ना एक का जान जाना निश्चय एकदम निश्चित है। तो फिर क्या हो भाई, आगे कहती है देखो क्या कहती है कि बांध लो पहले यापन शैतान। पार्वती माँ बता रही है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना शैतान को, अपना बाघ को, यहाँ शैतान किसके लिए आया है तो ये देखो ये है शैतान, इस शैतानवा देख रहे हैं, इस शैतानवा को जरा एक से मुलाकात कीजिए, एक अलग दर पिया दारू पी के चिड़ियाघर में घुस गया बगवे के सामने में, अब ओकरा जाकर कर ले हट 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 बगवा मूड ना हाल है न तो सफाई कर दे ले रहते, अब बांध लो पहले अपन शैतान। पार्वती माँ कह रही है सबसे पहले मैंने क्या किया अपने शैतान को बांधा, मने कर लो मने मैंने कर लो ये रखा पतिक मन। अब ये अपना बाघ को बांध करके पार्वती माँ कह रही है कि मैंने सोचा कि चलो अब अपने पति का मान रखेंगे, अब अपने पति का सेवा संभाल करेंगे, ये है समय छूट ले गमसक बहन। अब लो जब तक सोचे कि पति का ध्यान रखेंगे, पति पर अपना पति को सेवा संभाल करने जा रहे हैं, बाघ को बांध दिए थे, लेकिन इसी समय गलती से कहा गया कि गणसा का जो गणेश भगवान है उसका वाहन छूट गया, अब छुट्टा निकल छुट्टा आजाद हो गया, तकरे पेछू दौड़ा भोला माला शैतान। अब जैसे देखा कि चूहा भाग रहा है तो शंकर भगवान का जो गले का सांप है उसका नजर पड़ गया चूहा पर, अब मन कर गया कि चूहा को खा जाए तो दौड़ लगा दिया सपवा किसकी ओर, चूहा की ओर दौड़ लगा दिया। अब पार्वती मैया के लिए हो गया टेंशन, अब कैसे बचाया जाए चूहा को, देख रहे चूहा इस सपवा दौड़ गया कर पीछे, अब क्या हुआ मूसा के कालो भाग 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 अपन घर, मरे की नखो तोड़ तन को डर। चूहा से कहा पार्वती मारे भागो 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 जल्दी से अपने घर, मतलब अपने बिल में चले जाओ जल्दी से, तुमको क्या जान उनका जरा सा डर नहीं है, तनको डर मतलब जरा डर नहीं है क्या तुमको। मूसा ढूकर यापन गढ़ा है, मूसा डर से भागा जान लेकर के अपने बिल में चला गया, और क्या हुआ भोला का माला गेल सीठाए, अब लो भोला का माला जो था वो दे करके मम्मू बना लिया अपना, वो भाग गया छुप गया तो कैसे खाता उसको। तो इस तरह से पार्वती मारे गणेश भगवान के वाहन को बचा लिया। अब मैंने कर लो अब तनी सुस्त ताएं। फिर पार्वती माँ ने सोचा कि चलो बच गया एक समस्या आया, समस्या खत्म हो गया, अब सोचे चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सुस्ताते हैं, पाटी लोरी लाए भांग पिसवाए, मतलब अब चलो पाटी लोरा लेकर के भांग को पीसेंगे और अपने पति की सेवा करेंगे। तब तक क्या हुआ, यह है समय कार्तिकेय वाहन एक बड़ी चेठा, चेठा मतलब का फुर्ती, यह है कार्तिक का वाहन, ये है कार्तिक का वाहन मोर, मोर बड़ा फुर्तीला होता है ना। तो इसी समय में जब पार्वती माँ ने सोचा कि चलो थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, फिर लोरा पाटी लेकर के भांग को कूटेगा पीसेंगे और अपने पति को देंगे, लेकिन तब तक गड़बड़ का हुआ कि कार्तिक का जो वाहन मोर है वो एकदम फुर्तीला झपट मार ले भोलक माला नाग जेठा। अब मौका मिल गया इसको मोर को, अब ये उसी समय क्या किया भोला बाबा के नाक पे झपट्टा मार दिया, लो नाक पे झपट्टा मार दिया, उसको मौका मिल गया। तो अब भोला बाबा के माला पर हो गया हमला, कौन हमला कर दिया, कार्तिक का जो वाहन है मोर वो कर दिया। अब उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, हमर मने भेल बड़ी डर, यहाँ पे बड़ी है बड़ो लिए बड़ी, तो अब मोर जो है वो सांप को उठा लिया भोला बाबा के वाहन को, नाग बाबा नाग सांप को, अब उठा करके ले गया कहां पेड़ के ऊपर ले जाकर के बैठ गया। अब भोला माला पर मारने लगा चोंचा, अब सांप को मारने लगा, उसको खाने के लिए मारने लगा अपना चोंच, करे लग गया ओकरा खेचा बूचा। अब उसको क्या करने लग गया, खेचा खेचा करे मतलब टुकड़ा टुकड़ा करने का, खेचा बूचा मतलब भी वही टुकड़ा, यानी कि उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए क्या करने लगा, चोंच मार के उसका टुकड़ा करने का प्रयास करने लग गया। अब लफड़ा, पार्वती मैया को फिर एक समस्या मिल गया, अब बेचारी कैसे संभाले। अब उसने क्या किया पार्वती माँ ने, देखो क्या किया, तो मार लो फूक रैनक लेबदा गाछे कूपा, फूक रैनक फूक रैती करे मतलब क्या होता है ना कि अलग करने की जो प्रक्रिया है उसको फूक रैती करे कहते हैं, तो मार लो फूक रैनक लेबदा, लेबदा समझते हैं ना, लेबदा लकड़ी वाला टुकड़ा जो होता है ना, और से आम उम झाड़बे करो थी आजकल झाड़े थोबा तो नहीं, तो मार लो फूक रैनक लेबदा गाछे कूपर, फूक रैनक लेबदा मतलब सांप को मोर से अलग करने के लिए लेबदा मारी कौन पार्वती माँ, तबे परायल कार्तिक एक वाहन निडर, तब जाकर के कार्तिक का वाहन जो मोर है वो भागा, परायल मतलब भागा, हमर समस्या भेल गंभीर, अरे मेरा तो पूरा एकदम गंभीर समस्या हो गया, मन के कर लो करे लागलो थीर। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा मन को स्थिर किए, इतना समस्या हमको देखने को मिलता है परिवार में। पार्वती माँ किसको सुना रही है, तो सब देवी देवता को सुना रही है, बोलेगी इतना आसानी है बैलेंस करना, देखो ये सब हुआ था जिस कारण से मेरे भोले बाबा पता नहीं रूठ करके चले गए है ना। अब यहाँ पे मने करने लग लो थीर, तो थोड़ा सा मन को शांत किया, थीर मतलब शांत, भांग ले लो दू तोला तौली, अब क्या किया हम दू तोला भांग जो है उसको तौल लिए और बनौली ओकरा झटपट गोली, और झटपट से उसका गोली बना लिए,
तो अब इतना होने के बाद में पार्वती माँ बता रही कि मैंने मौका मिला तो जल्दी से झटपट मैंने भांग की गोली बना ली। तो संतोष महतो जी यहाँ लिखते, संतोष का है सुना माय पार्वती, ये पार्वती लिखा हुआ है, परिवती नहीं पार्वती है ना, पार्वती सुना माय पार्वती भोली, मेरी भोली पार्वती माँ सुनो, डाका है भोले देहन गोली, जल्दी से अपने भोले बाबा को बुला करके गोली दो ना भांग का, तो वो जो रूठे बोला है वो मान जाएंगे, भोले बाबा है जल्दी मान जाते हैं आसानी से, रूठते भी तेजी से है मानते भी आसानी से है। तो डाका है भोले भोलक देहना गोली, कौन सा गोली, भांग का गोली है ना, भांग का गोली। और संतोष यहाँ संतोष कुमार महतो के लिए जिक्र किया गया है, कौन कह रहा है, संतोष कुमार महतो जी कह रहे हैं पार्वती माँ से, ये कह रहे हैं अनुरोध कर रहे हैं अर्ज कर रहे हैं कि जल्दी से भोला बाबा को भांग की गोली दे दीजिए। और यहाँ पे आप देखो कविता खत्म हो जाती है। अब लेकिन यहाँ पे क्या पार्वती माँ का माँ के बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे क्या जो समस्याएं आप पार्वती माँ के साथ देख रहे हो असल में पार्वती माँ के साथ आई हुई समस्या है, नहीं, हर घर की स्त्री के साथ, हर उस स्त्री के साथ आने वाली समस्या है जो दैनंदिन उनके जीवन में आती है। एक परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत सारे लोगों को मैनेज करके चलना, संभाल करके चलना कोई आसान काम नहीं है, है ना, सबका मिजाज अलग अलग है, सबके तौर तरीके अलग अलग है रहने के। अब उसमें सबको बैलेंस करके एक स्त्री चलती है, संभाल करके चलती है, एक परिवार को परिवार बनाने का काम करती है, सबका ध्यान रखने का काम करती है, जैसा कि पार्वती माँ यहाँ पे कर रही है, सबके वाहन का ध्यान रख रही है कि किसी को कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बचाने का काम कर रही है, इतना कुछ होने के बावजूद भी अपने पति का ध्यान रख रही है। मगर आज के जमाने में कुछ पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के किए गए कार्यों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, सब चीज होने के बाद भी आके धड़ाम धड़ाम कूट देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको हम लोग कहते हैं घरेलू हिंसा। तो स्त्रियों को सम्मान देना जरूरी है, इस कविता में वही बतलाया गया है कि स्त्रियां जो है एक घर को घर बनाने का काम करती है। तो बस इतना ही आज के सेशन में दोस्तों, मुझे जरूर ऐसी अनुभूति हो रही है मुझे कि आप लोगों को ये सेशन जरूर अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपना फीडबैक अपना कमेंट जरूर दें और सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और झाड़ पाठशाला को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और लोग बहुत अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को शेयर करें, प्रमोट करें, जैसे भी जो भी आप कर सकते हैं मदद जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए, झाड़ पाठशाला पर भरोसा करने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।